सर, आज जो है 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने वाले थे युवा छात्र अभ्यर्थी, और अलग अलग जगह से सर जाने का प्रयास किए, तो सर इसमें क्या क्या हुआ आज दिन भर में? सर यही है, इनको प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से बताया गया था कि आपका धरना स्थल मोराबादी है, आप वहीं तक ही रहेंगे, आगे धारा 144 लागू है, बट इनके द्वारा नहीं माना गया और इनके द्वारा वहाँ पर रोड जाम की कोशिश करी गई काकेय रोड को राम मंदिर के वहाँ। तो इसको हमने हमारी तरफ से सख्त तरीके से डील करते हुए, मिनिमम बल का यूज़ करते हुए इनके छात्र नेताओं को प्रिवेंटिवली डिटेन करा गया है और उनको अभी कस्टडी में रखा गया है। जब तक सब नॉर्मल नहीं हो जाता है तब तक वो डिटेंशन में ही रहेंगे। तो मतलब क्या आज उनको छोड़ दिया जाएगा शाम तक या कल भी समय लग सकता है? ये सब अभी जब डिसाइड होगा, जब ये सब चले जाएंगे उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। क्या लाठी चार्ज वगैरह भी हुआ क्या सर आज? पुलिस की तरफ से आज कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ है। अच्छा सर, छात्र नेताओं की तरफ से कल का क्या प्लान है, मशाल जुलूस को लेकर लोग कह रहे हैं? ये अपना बता रहे हैं कि इनका मशाल जुलूस है, बट इन्होंने अभी तक कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन हमको या परमिशन के द्वारा नहीं ली गई है। तो वही है, ये बार बार गैरकानूनी हरकतें करते हैं और फिर इनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज होती है, इनका तरफ से हमेशा गलती रहती है और फिर भविष्य में इनको ही FIR के कारण दिक्कत होती है। सर, जो जिन लोगों को डिटेन किया गया है उसमें जैसे कुछ छात्र नेता कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, तो सबको आप लोग रखेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको छोड़िएगा या जो छात्र नेता उनको छोड़िएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी डिसाइड करा जाएगा उनका। जी ठीक। तो हमारे साथ CTSP शुभांशु जैन सर थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 17 अप्रैल को जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करने वाले थे युवा छात्र अभ्यर्थी, लगातार जो है अलग अलग रास्तों से जो है घेराव करने का प्रयास किया गया, पुलिस जो है हल्का फुल्का बल का भी उपयोग किया है जैसा कि सर का कहना है, और छात्र नेताओं को जो है और कुछ छात्रों को डिटेन कर लिया गया है। अब उनको कब छोड़ा जाता है, जैसा सर ने कहा है कि बहुत जल्द हम छोड़ देंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भोकाल TV न्यूज़। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।